Hello student, good morning. Today we will going to discuss next topic of chapter vectors is relative velocity of rain with respect to moving man. Means हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या रहेगा कि मैन मूव कर रहा है एंड द रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो अपने आप को रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरह से अम्ब्रेला को पकड़ेगा, तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे. तो हमारे पास टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मूविंग मैन. मीन्स हम मान लेंगे, पहले लेट अस कंसीडर, या मान के चलेंगे कि वी एम बी वेलोसिटी ऑफ मूविंग मैन, कि वी एम हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ मूविंग मैन है, एंड वी आर क्या है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ ए रेन है. अब देखो यहाँ पर मैन मूव कर रहा है, ये नहीं कहा गया कि मैन ईस्ट की तरह मूव कर रहा है या वेस्ट की तरह मूव कर रहा है, मीन्स कोई डायरेक्शन नहीं दी, तो ये हम मान के चलेंगे. और मैन को किधर भी आप मूव करवा सकते हो, जैसे कि हम मान के चले कि लेट द मैन इज मूविंग टुवार्ड्स ईस्ट, कि मैन है वो किधर मूव कर रहा है, ईस्ट, और आपकी इच्छा है आप वेस्ट की तरफ भी मूव करवा सकते हो. मीन्स डायग्राम आप कैसे भी बना सकते हो, जैसे कि अभी हम डिस्कस करेंगे. एंड रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, और रेन तो किधर मूव, यहाँ पर कोई एयर का इफेक्ट की बात नहीं कर रहे, तो रेन है वो क्या करती है, वर्टिकली डाउनवर्ड ही फॉल करती है. द रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, देखिए बेटा यहाँ पर आप देखो हमारे पास क्या है कि मैन इज मूविंग टुवार्ड्स ईस्ट या वेस्ट, आपकी इच्छा है. जैसे कि देखो अभी आपको समझ आ गया होगा, ये मैं रफ करती हूँ, मैन है उसको किधर भी आप मूव करवा लेना. तो दोनों डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लेना. जैसे कि मैन इज मूविंग टुवार्ड्स ईस्ट, मैन है वो किधर मूव कर रहा है, ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है. एंड द रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, और रेन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रही है. तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन निकालनी है. क्या निकालनी है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन. तो देखो यहाँ पर जब जैसे रिलेटिव वेलोसिटी रेन की निकालनी है, किसके रेस्पेक्ट में निकालनी है, मून के रेस्पेक्ट में निकालनी है, तो आपको बताया था कि जिसके रेस्पेक्ट में निकालनी है उसके नेगेटिव को इम्पोज कर देते हैं. तो जैसे कि वी एम पॉजिटिव इधर है तो नेगेटिव इस तरफ होगा. तो ये जो हमारे पास रिजल्टेंट है ये क्या रहेगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन रहेगा. समझ आ गया होगा बेटा, जैसे कि ये एंगल हम मान लेंगे, ये एंगल हमारे पास कितना है, कोई भी एंगल हमने कितना मान लिया, थीटा. अगर आप ये वाला नहीं, क्योंकि पेपर पे देखो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ना, जैसे इधर ईस्ट कर दिया, इधर वेस्ट कर दिया, इधर नॉर्थ कर दिया और इधर साउथ कर दिया. अब आप मान रहे हो कि नहीं हम तो ईस्ट की तरफ नहीं मूव कर रहे, मैन है वो किसकी तरफ मूव कर रहा है, वेस्ट की तरफ. तो देखो बेटा आप ये डायग्राम भी बना सकते हो, मैन इज मूविंग टुवार्ड्स वेस्ट, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालनी है तो नेगेटिव वेलोसिटी को इम्पोज कर देंगे. तो ये जो हमारे पास रिजल्टेंट है ये क्या कहलाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन. ये जो रिजल्टेंट है ये क्या कहलाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन. समझ आ गया होगा बेटा. अब देखो यहां पर ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो आपको एक डायग्राम बनाना है बेटा. अगर ये डायग्राम बना रहे हो तो आप लिख दोगे द मैन इज मूविंग टुवार्ड्स ईस्ट, और अगर आप ये डायग्राम बनाना चाह रहे हो तो द मैन इज मूविंग टुवार्ड्स वेस्ट, आपकी इच्छा है कोई भी एक डायग्राम बना लेना. अब देखो हमें रिजल्टेंट निकालना है, मीन्स हमें तो क्या निकालना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालनी है, चाहे इस डायग्राम को रिफर करना या इस डायग्राम को करना. तो ये क्या बन रहा है बेटा हमारे पास, एक कुछ भी पॉइंट मान लेंगे, जैसे ये क्या बन रहा है कि पैरेललोग्राम बन रहा है ना, ओ ए बी सी एक पैरेललोग्राम है. वैसे तो आपके पास क्या बन रहा है, एक स्क्वायर की शेप का ही बन रहा है, क्योंकि यहां पर एंगल कितना है 90 डिग्री, लेकिन जस्ट आपके पास किस तरह का है, क्योंकि रिजल्टेंट टू एडजेसेंट साइड, सॉरी जो हमारे पास टू एडजेसेंट साइड है वो रिप्रेजेंट कर रही है टू वेक्टर्स को, देन द डायगोनल है वो रिप्रेजेंट करेगा किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन. तो समझ आइए होगा बेटा ये, क्योंकि पैरेललोग्राम है वो स्क्वायर बन जाता है जब एंगल कितना हो 90 डिग्री. तो देखो यहां पर वी आर एम रिजल्टेंट निकालना है हमें, तो क्या लिख देंगे, वी एम का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर प्लस टू वी एम वी आर
जो रिजल्टेंट होता है, जो फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस ऑफ थीटा, लेकिन यहां पर एंगल कितना है 90 डिग्री, तो क्या लिख दिया हमने कोस ऑफ 90 डिग्री, तो वी आर एम इक्वल टू कितना आ गया बेटा, वी एम का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर, क्योंकि कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो ये तो हमारे पास क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया, मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट आ गया। अब हम किसकी बात करेंगे, डायरेक्शन की बात करेंगे, तो डायरेक्शन इज गिवन बाई टेंजेंट और ये एंगल कितना माना है थीटा। अब देखो बेटा ये हमारे पास क्या थी, रेन की थी, ये वी एम है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, वी एम हो जाएगी, तो यहां से टेंजेंट थीटा है वो क्या बन जाएगा, वी एम बाई वी आर, क्योंकि टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये तो हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी एम बाई वी आर, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा टेन इनवर्स वी एम बाई वी आर। तो ये हमारे पास क्या है कि कितने एंगल से जो अम्ब्रेला है उसको प्रोटेक्ट, मीन्स अम्ब्रेला से रेन को अपने आप को प्रोटेक्ट करे, मीन्स यहां पर हम ये समझाना चाह रहे हैं कि किधर वो अम्ब्रेला को पकड़ेगा। तो देखो ये रिजल्टेंट है ना, तो वो अम्ब्रेला को कितने एंगल पे पकड़ेगा, मीन्स कितने एंगल पे होल्ड करेगा अम्ब्रेला को, ताकि वो रेन से नहीं भीगे, क्योंकि मैन है वो मूव कर रहा। तो यहाँ हमारे पास एंगल है वो कितना आ गया, टेंजेंट इनवर्स वी एम बाई वी आर, मीन्स अगर हमें इनकी वेलोसिटी पता हो तो यहाँ से हम एंगल निकाल सकते हैं, तो इतने एंगल पे अम्ब्रेला को पकड़ेगा अपने आप को रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर ये वाला डायग्राम बनाना चाह रहे हैं तो देखो बेटा इधर पकड़ेगा फिर, मीन्स कौन सी डायरेक्शन के अंदर, ये हमारे पास कौन सी है ईस्ट, और ये हमारे पास क्या है नॉर्थ, तो ईस्ट नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट के अंदर इतने एंगल पे अम्ब्रेला को पकड़ेगा अपने आप को रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए। बिल्कुल सेम उसी तरह से ये हमारे पास क्या है वेस्ट, और ये इधर हमारे पास क्या है नॉर्थ, तो इसमें जब इसकी बात करेंगे तो कौन सी डायरेक्शन में पकड़ेगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में इतने एंगल पे अम्ब्रेला को पकड़ेगा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए रेन से। समझ आ गया होगा, तो ये था हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। अब देखो न्यूमेरिकल आपके पास कैसे बनता है, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, जैसे कि हम ये डायग्राम ले लेते हैं, ये आपको ये वाला अच्छा लग रहा है तो ये वाला डायग्राम ले लेना जैसे आपकी इच्छा। तो देखो इसमें डायग्राम आपको कैसे बनाना है, जैसे कि मान लीजिए डायग्राम उसी तरह से बनाना है जिधर आपको डायरेक्शन दे रखी हो, और जब डायरेक्शन नहीं दे रखी हो तो आप किधर पे बना ले, जैसे कि मान लीजिए कोई भी न्यूमेरिकल आपके पास दे दिया, ए मैन इज वॉकिंग ऑन ए लेवल रोड विद ए स्पीड ऑफ, एक मैन है, समझ आ गया बेटा, डायग्राम आपको इस तरह से बनाना है। तो देखो हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं छोटा सा न्यूमेरिकल की, के मैन इज वॉकिंग ऑन ए लेवल रोड, ऑन ए लेवल रोड विद इन ए स्पीड ऑफ या विद ए वेलोसिटी ऑफ कुछ भी ले लेना आप 3 किलोमीटर पर आवर एंड रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद ए। देखो बेटा यहां पर क्योंकि जब हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ना, कि जैसे कि मान लीजिए हमने ये कह दिया कि भाई वेस्ट की तरफ जा रही है, मीन्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तब आप यहाँ पर वेलोसिटी लिखना, वैसे आप स्पीड भी लिख सकते हो, स्पीड विद डायरेक्शन क्या होती है वेलोसिटी होती है। एंड द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि डायरेक्शन हमने दे दी ना वर्टिकली, अब स्पीड विद डायरेक्शन क्या होती है वेलोसिटी होती है। अब यहाँ पर देखो डिपेंड करेगा बेटा, अब यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं दी ना कि किधर मूव कर रहा है वेस्ट की तरफ या ईस्ट की तरफ, तो वो आपकी इच्छा है, मीन्स ये डायग्राम भी बना सकते हो, ये डायग्राम भी बना सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको ये दे दिया, ए मैन इज वॉकिंग ऑन ए लेवल रोड विद ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर डू ईस्ट, तो आपको ये डायग्राम बनाना है, डू वेस्ट तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, शायद आपको समझ आ गया होगा। तो देखो यहां पर हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या करना है, टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ, या आपके पास टू फाइंड वी आर एम एंड ए डायरेक्शन मीन्स अम्ब्रेला को कैसे पकड़े, समझ आ गया बेटा। तो अभी हमने डायरेक्शन देखी थी ना,
सॉरी मैग्नीट्यूड देखा था, क्या था हमारे पास वी एम का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। अब हमारे पास दे रखा है ना वी एम तो कितना दे दिया 3 किलोमीटर पर आर दे दिया, और वी आर हमारे पास कितना दे दिया 4 किलोमीटर पर आर। तो रिजल्टेंट सिंपल 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर तो 9 प्लस 16 तो ये कितना हो गया रूट 25। मीन्स रिजल्टेंट वेलोसिटी है रेन की विद रिस्पेक्ट टू मैन कितनी आ गई आपके पास 5 किलोमीटर पर आर। मीन्स ऐसा लगेगा कि जैसे कि मैन मूव कर रहा है ना 3 किलोमीटर पर आर से, और जो रिजल्टेंट वेलोसिटी लगेगी ना उसको रेन को सॉरी मैन को जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है रेन की विद रिस्पेक्ट टू मैन वो कितनी महसूस होगी 5 किलोमीटर पर आर। समझ में आ गया बेटा। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, तो डायरेक्शन मीन्स अम्ब्रेला को कैसे होल्ड करे अपने आप को रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जो डायरेक्शन है वो हमारे पास क्या आ जाएगी वी एम बाई वी आर होती है, तो वी एम हमारे पास कितना था ये वाली और डिवाइड बाई ये। समझ आ गया बेटा। तो कितना है 3/4, तो यहां से थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 3/4। ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताएंगे कि किस तरह से निकालते हैं, जब तक आपको नहीं पता तो आप यहाँ तक भी इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि जब आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है वो नहीं दी जाती तो आपको ये दिया जाता है कि जैसे टेंजेंट इनवर्स 3/4 की वैल्यू इतनी है डिग्री और मिनट में, वैसे आपको समझा देंगे। तो इस तरह इतना इतने एंगल पे मीन्स इतने एंगल पे अपने आपको प्रोटेक्ट करेगा अम्ब्रेला को होल्ड करके। तो ये हमारे पास था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। तो इसके जो जितने भी न्यूमेरिकल है वो बिल्कुल इसी तरह से फॉर्मूला बेस्ड है, तो न्यूमेरिकल की आप प्रैक्टिस करना बेटा। और ये चैप्टर है आपका वेक्टर्स वो कंप्लीट हो चुका है, तो इस वेक्टर चैप्टर्स का जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिस भी स्टूडेंट ने नहीं किया है तो पीछे की वीडियो आपको सारी मिल जाएंगी, तो आप धीरे धीरे उनका रिवीजन करते रहना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।